नमस्कार दोस्तों, नारद मुनि ज्ञानी घुमक्कड़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम नैनीताल की यात्रा पे हैं। नैनीताल जितना खूबसूरत है, वहां जाने का रास्ता भी उतना ही खूबसूरत है। आप टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्तों से होते हुए नैनीताल पहुंचते हैं, जहां आपको चारों तरफ घने जंगल ही जंगल दिखाई देते हैं। नैनीताल का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम है। यहाँ से नैनीताल लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पे है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन बहुत ही खूबसूरत है। जैसे आप रेलवे स्टेशन पे उतरेंगे तो आप देखेंगे कि वहीं से पहाड़ियां शुरू हो जाती हैं, तो वहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। वहाँ जाते ही एक्साइटमेंट आपका बढ़ जाएगा। आप काठगोदाम स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो वहाँ से आपको बहुत सारे साधन मिल जाएंगे नैनीताल जाने के लिए। आप चाहे तो वहाँ से टैक्सी भी बुक कर सकते हैं, और आप चाहे तो वहाँ से आपको बस भी मिल जाएगा। आप चाहे तो हल्द्वानी से होते हुए भी लोग नैनीताल आते हैं, नैनीताल के लिए हल्द्वानी से आपको बसेस हमेशा मिल जाती हैं। अब बात करते हैं रुकने की। तो नैनीताल में रुकने के लिए बहुत सारे होटल हैं। अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो आपके लिए धर्मशाला भी है। दो धर्मशालाएं हैं वहाँ पे। धर्मशाला में एडवांस बुकिंग तो नहीं होता है, आपको जाके ही पता करना होगा कि आपको आज रूम मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। उसके अलावा एक जो सबसे बड़ी कमी वहाँ पे है वो ये है कि अटैच रूम के साथ लैट्रिन बाथरूम नहीं है, वो कॉमन बाथरूम है। और होटल्स के बारे में बता दूं कि आप जाने के पहले आप होटल बुक करके ही जाएं ऑनलाइन, आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं ऑनलाइन, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। और अगर आप सीज़न में जा रहे हैं तो बिल्कुल ये गलती ना करें कि आप जाके वहाँ पे रूम ले लेंगे। आप एडवांस बुक करके ही जाएं, क्योंकि पीक सीज़न में वहाँ पे रूम की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बहुत सारे लोगों को तो मैंने देखा है कि वो पार्कों में जा कर के नैनी झील के किनारे सोते हैं रातों को। तो इसीलिए कम से कम रिस्क ना लें गर्मी के दिनों में। यही मेन सीज़न होता है जब सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहते हैं। तो गर्मी के दिनों में जब भी जाएं तो एडवांस बुक करके ही जाएं, बिना बुकिंग के आप नैनीताल ना जाएं। और बाकी टाइम पे आप वैसे भी जा सकते हैं, आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिल जाएगा। नैनीताल घूमने का सबसे सही समय क्या है? तो लोग तो नॉर्मली गर्मी में ही जाते हैं, क्योंकि मैदानी एरिया में बहुत गर्मी होती है, तो लोग उस समय नैनीताल जाते हैं। लेकिन अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो घूमने का सबसे सही समय अक्टूबर नवंबर का महीना है। इस समय नैनीताल में सबसे कम टूरिस्ट आते हैं और सबसे सस्ता नैनीताल उसी समय होता है, और मौसम भी उस समय बहुत ही खूबसूरत होता है। तो आप चाहें तो अक्टूबर नवंबर में आ सकते हैं, आपको हर चीज़ डिस्काउंट में मिलेगा नैनीताल में। यहाँ घूमने की शुरुआत आप नैनी झील से कर सकते हैं। नैनी झील में बहुत बड़ी बड़ी और खूबसूरत मछलियाँ हैं, तो आप उन्हें चारा खिला सकते हैं, और आप नैनी झील में बोटिंग कर सकते हैं। यही शहर का मुख्य आकर्षण है नैनी झील, इसके बिना नैनीताल अधूरा है। इसके अलावा आप शाम को माल रोड, जो कि नैनीताल का मुख्य सड़क है, आप इस पे शाम को आप टहल सकते हैं, घूम सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ लाइन से दुकानें हैं, होटल्स हैं, जिससे और एक तरफ आपका रोड के होटल्स और दुकानें हैं तो दूसरी तरफ नैनी झील है, तो नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। आप शाम को यहाँ टहलें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। माल रोड के इतिहास के बारे में आपको बता दूँ कि नैनीताल में जब अंग्रेज रहा करते थे गर्मी के दिनों में, तो यहाँ पे दो सड़क है, एक ऊपर की सड़क है और एक नीचे सड़क है थोड़ी सी। तो ऊपर की सड़कों पे सिर्फ अंग्रेज ही चल सकते थे, इंडियंस उस पे चलने के लिए अलाउ नहीं थी, और जो नीचे की सड़क थी वो इंडियंस के लिए थी। तो आज की डेट में तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, आप दोनों ही सड़कों पे चल सकते हैं। आज की डेट में सरकार ने बहुत अच्छा डेवलप किया हुआ है, बहुत अच्छा हरा भरा बना रखा है आसपास का एरिया पूरा, और बहुत ही खूबसूरत है। तो आप शाम को मॉल रोड पे ज़रूर टहलें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। नैनीताल का जो सबसे ऊंची जो पहाड़ी है वो है नैना पीक, जिसको चाइना पीक भी कहते हैं, दोनों एक ही पहाड़ी का नाम है। तो आप उस पर जा सकते हैं, अगर आपके पास अपनी कार है या बाइक है तो आप उससे भी जा सकते हैं, रोड भी बनी हुई है। और अगर आप बिना साधन के हैं तो आप रोपवे से जा सकते हैं, नॉर्मल चार्जेस हैं रोपवे के, तो रोपवे आपको सीधे पीक पे ले जाता है। वहाँ से अगर बादल साफ रहे और मौसम ठीक रहा तो आप वहाँ से बर्फीली पहाड़ियाँ दूर हिमालय की दिखाई देती हैं, तो आप वो देख सकते हैं। वहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारे झूले हैं और काफ़ी कुछ है वहाँ पे, तो एंटरटेनमेंट का वहाँ पूरा व्यवस्था है, तो आप वहाँ पे पूरा एंजॉय कर सकते हैं नैना पीक
या चाइना पीक, जो भी आप नाम लेना चाहें, तो काफ़ी अच्छा है ये। इसके अलावा टिफिन टॉप है जिस पे आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, हमने भी किया, बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। नैनीताल का जू भी बहुत खूबसूरत है, पहाड़ के ऊपर है और वहाँ से पूरा नैनीताल दिखाई देता है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है जू से। तो आप जू जरूर ही देखने जाएं। आपको नीचे से माल रोड से ही गाड़ियाँ मिलती हैं, जू के लिए अलग से गाड़ियाँ जाती हैं, तो वो 30 रुपये या 40 रुपये लेते हैं आपसे पर हेड, तो वो सीधे आपको जू के गेट तक छोड़ देते हैं, तो आप उसी साधन से जा सकते हैं जू तक। आप अपनी पर्सनल गाड़ियाँ नहीं ले जा सकते, अलाउ नहीं है जाने के लिए, तो आप उन्हीं के साधन से जाएं और ऊपर जाकर के आप पूरा जू घूमें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। इसके बाद आप यहाँ के इको पार्क में जा सकते हैं। इको जो पार्क है बहुत ही खूबसूरत है, वहाँ पे प्राकृतिक गुफाएं हैं, 6 गुफाएं हैं जहाँ आप बहुत इंजॉय करेंगे, बच्चे हैं तो बहुत मस्ती करेंगे। यहाँ पे काफ़ी कुछ है करने के लिए बच्चों के लिए, बुल राइड कर सकते हैं। ये है हिमालयन बॉटनिकल गार्डन जहाँ आपको बहुत सारे दुर्लभ पेड़ पौधे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ आपको डेली दिनचर्या में दिखाई देने वाले पेड़ पौधे भी आपको मिल जाते हैं, जिन्हें आप देखते तो हैं लेकिन आपको उनका नाम नहीं पता होता है। तो जानकारी के लिहाज से बहुत ही बढ़िया जगह है, और बच्चे हैं तो बच्चों को तो ये जरूर ही लेके जाएं, क्योंकि ये हर पेड़ पौधे के सामने उसका नाम लिखे होते हैं, तो आपको ये पता चल जाता है कि ये पौधा किसका है। तो हम बहुत सारे पौधों को अपने आसपास देखते हैं लेकिन हम देखते तो हैं लेकिन हम उनको जानते नहीं कि इसका नाम क्या है, तो इसलिए आप यहाँ पे तो जरूर ही जाएं। यहाँ पे एक बिल्डिंग है जहाँ पे इंसेक्ट्स के लिए अलग से सेक्शन बना हुआ है, वहाँ फोटोग्राफी मना है अंदर, इसीलिए मैं आपको अंदर का नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो वहाँ पे बहुत सारे तितलियों की वैरायटीज और बहुत सारे कीड़े मकोड़ों की वैरायटीज आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी गई है, तो आप वहाँ भी जाएं और उनके बारे में भी पूरी जानकारी लें। यहाँ पे एक दीवार पे ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि पानी को कितना हम सेव कर सकते हैं, ये उसके थीम पे है। तो इन्होंने एक बोतल को, जैसा कि आप देख रहे हैं, कि बीच से काट दिया है और ऊपर वाले पोर्शन में इन्होंने खाद मिट्टी के साथ साथ पौधे को लगा दिया है, और उसमें से एक बाती कपड़े की उन्होंने नीचे बोतल में लटका रखी है, जो कि पानी धीरे धीरे खींच खींच करके ऊपर मिट्टी तक पहुंचाता है। तो इससे क्या होता है कि कम पानी में ये पौधा हरा भरा हमेशा बना रहता है, मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहती है। तो ये देख के बहुत अच्छा लगा मुझे, आप चाहें तो इसे घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, तो ये काफी अच्छा है। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको काफी सारी जानकारी मिलेगी यहाँ पे। ये है यहाँ का लवर्स पॉइंट। यहाँ जाने का रास्ता तो उतना अच्छा नहीं है लेकिन यहाँ आके आप हल्की फुल्की फोटोग्राफी कर सकते हैं क्योंकि पीछे पहाड़ वगैरह दिखाई देते हैं, तो यहाँ भी आप आ जाएं। ये हाईवे के बिल्कुल किनारे है तो आप आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं, समय नहीं लगता है बिल्कुल, और इसके लिए आपको अलग से नहीं जाना पड़ता है, तो यहाँ पे भी एक बार आप विजिट कर सकते हैं। नैनीताल में एक झरना भी है, वुडलैंड वाटरफॉल, तो ये झरना भी मुझे कुछ खास नहीं लगा क्योंकि मैंने बहुत सारे झरने देखे हुए हैं, तो उनकी तुलना में मुझे ये कुछ खास नहीं लगा। तो आप चाहें तो यहाँ आएँ और चाहें तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये नॉर्मल सा ही झरना है बिल्कुल, और अगर आप बरसात के मौसम में आते हैं तो आपको यहाँ पे पानी मिल जाता है, तो ग्रीनरी यहाँ अच्छी है तो आप थोड़ा हरियाली देखने के लिए आ सकते हैं यहाँ पे। ये है खुरपा ताल। इसके पानी की खासियत ये है कि ये हमेशा अपना रंग बदलता रहता है मौसम के हिसाब से, जैसे अभी आप इसे हरे रंग का देख रहे हैं, कभी ये काले रंग का हो जाता है, कभी ग्रे कलर का हो जाता है, कभी लाइट रेड कलर का हो जाता है, तो ये कई सारे अलग अलग मौसम में अलग अलग रंग का इसका पानी दिखता है। तो इसकी खासियत यही है, आप जिस मौसम में आएंगे आपको उसी रंग का दिखेगा। तो ये भी आपको ऊपर से ही देखने के लिए मिलता है, तो आप इसे भी देख सकते हैं जैसे हम अभी देख रहे हैं। तो नैनीताल में एक गुफा ऐसी भी है जिस गुफा के मुहाने पे मैं बैठा हूँ, यहाँ से हर समय आपको बिल्कुल ठंडी हवा आती रहती है। अभिषेक आनी शुरू होगी, शुरू होगी हवा चल रही, चाहे जितनी भी गर्मी हो चाहे जैसा भी मौसम, हर समय यहाँ से ठंडी हवा आती है।
लवर्स पॉइंट के आगे एक पॉइंट है जहाँ से आप अगर मौसम अच्छा है, बादल वगैरह हैं, तो आपको वहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। तो आपको काफ़ी नीचे गहराई में आपको खुरपा ताल दिखाई देगा। अगर बादल हैं तो खुरपा ताल दिखाई नहीं देता नॉर्मली, और आपके चारों तरफ बादल क्रॉस होते रहते हैं तो देख के बहुत खूबसूरत लगता है। आपको लगता है जैसे आप बादलों के बीच में हैं, तो वो काफ़ी अच्छा पॉइंट है। बस उसमें आपकी किस्मत साथ देती है नहीं देती, अगर उस समय बादल रहेंगे तो ही आपको मज़ा आएगा, नहीं तो आपको नॉर्मल व्यू लगेगा। तो उस समय बादलों का होना ज़रूरी है, अगर बादल हैं तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। इसके अलावा यहाँ नैना देवी मंदिर है जिसके नाम पे नैनीताल का नाम पड़ा है, और झील का नाम नैनी झील है। तो आप यहाँ देवी के दर्शन कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया मंदिर है, खूबसूरत भव्य मंदिर है, बिल्कुल नैनीताल झील के किनारे है, तो आपको यहाँ भी जाके बहुत अच्छा लगेगा। और झील के बाहर एक तिब्बती मार्केट है, तो यहाँ पे लोग शॉपिंग करते हैं काफ़ी सारा, और हल्का फुल्का आप खा पी सकते हैं, चाउमीन मोमोज बर्गर बहुत कुछ मिलता है, तो आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे लोग शाम को टहलते हैं यहाँ से लेकर के माल रोड तक, तो काफ़ी अच्छा रहता है शाम का माहौल यहाँ पे। इसके अलावा आप नीम करोली बाबा के आश्रम में जा सकते हैं। यहाँ के किसी भी होटल में या कहीं भी आप जाते हैं तो हर जगह आपको बाबा नीम करोली की फ़ोटो आपको मिल जाएगी। पहले यहाँ पे जो बाहरी टूरिस्ट आते थे उनको बाबा के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता था, लेकिन आज की डेट में जब से ये लोगों को पता चला है कि स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग बाबा के आश्रम में आ चुके हैं, अब बाबा नहीं है इस दुनिया में, लेकिन इनके बहुत सारे अंग्रेज भक्त हुआ करते थे, तो आज की डेट में लोग आश्रम भी जाते हैं। ये नैनीताल से अल्मोड़ा हाईवे पे आपको 18 किलोमीटर आगे उनका आश्रम है, तो लोग वहाँ भी जाते हैं घूमने के लिए। नैनीताल के आसपास और भी कई झीलें हैं जहाँ आप जा सकते हैं। इसमें आपका भीमताल है, सात ताल है, नौ कुचिया ताल है। तो ये नैनीताल से अगर आप होटल वाले से बात कर लेंगे तो सुबह सुबह नैनीताल से कई गाड़ियाँ जाती हैं जो कि पर हेड आपसे 300-400 रुपए लेते हैं, और पूरा दिन आपको आसपास का नैनीताल के आसपास के जितने भी एरिया हैं, जितनी भी झीलें हैं, वो सब घुमाते हुए आपको शाम को नैनीताल में वापस छोड़ देती हैं। तो आप होटल वाले से बात कर लें तो आप ये भी कर सकते हैं। अगर आप पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं तो भीमताल से नौकुचिया ताल के बीच में ही पैराग्लाइडिंग होता है, तो आप वहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पास में ही जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है, घना जंगल है, तो वहाँ पैसे थोड़े आपके एक्स्ट्रा खर्च होते हैं, लेकिन जानवरों को देखने के लिए और जंगल को देखने के लिए उससे बेहतर जगह कोई नहीं है, तो आप वहाँ भी ज़रूर जाएं। तो इस तरह से आपका पूरा नैनीताल का ट्रिप ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मन में कोई सवाल है या आप कुछ मुझसे बताना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर डालें। मैं हर कमेंट देखता हूं और रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। तो इसी के साथ आज की यात्रा ख़त्म होती है, अगली यात्रा तक धन्यवाद।